आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछा है कि अर्थ के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, काव्य के कितने भेद होते हैं वो हमें बताना है। विकल्प यहाँ पे दिया हुआ, पहला दो, दूसरा है आठ, तीसरा है दस और पांचवा, चौथा है यहाँ पे पांच। पहले हम जानते हैं कि काव्य के कितने भेद होते हैं। देखिए काव्य के जो भेद होते हैं वो आठ होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं काव्य के भेद? आठ होते हैं। पहला क्या होता है? पहला है विधानवाचक काव्य। विधान वाचक, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है वो है आपका निषेध वाचक। दूसरा है निषेध वाचक। तीसरा है, तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा दिया है प्रश्नवाचक। प्रश्न वाचक। चौथा, अरे चौथा देखते हैं कि चौथा क्या है। चौथा वहां पे है विस्मयादिवाचक। विस्म यादि वाचक, ठीक है। और पांचवा यहाँ पे है, पांचवा क्या है? पांचवा हमारा है वो है अज्ञात वाचक, सॉरी आज्ञावाचक है, अज्ञात वाचक। यहाँ पे छठा है, छठा क्या है हमारा? छठा हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छा वाचक वाक्य, ठीक है। सातवां क्या है हमारा? सातवां है, सातवां में है संकेत वाचक वाक्य। संकेत वाचक, ठीक है। देखिए आठवां क्या है? आठवां हमारा होता है, आठवां है हमारा संदेह वाचक वाक्य। क्या है? संदेह वाचक वाक्य, ठीक है। यानी अर्थ के आधार पर हमारे काव्य कितने भेद हो गए? आठ भेद हो गए। पहला विकल्प यहाँ दिया हुआ दो, देखिए ये गलत है। दूसरा विकल्प दिया हुआ है आठ, ये बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। हमने यहाँ पे आठ भेद देखे। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा यहाँ पे दिया, तीसरा यहाँ विकल्प दस, ये गलत है। चौथा विकल्प यहाँ पर दिया हुआ पांच, ये भी गलत है। हमारा जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, आठ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।